था जब दो प्रेमी मिलते हैं तो आसमां में जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब दो प्रेमी जुदा होते हैं तब क्या होता है? हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। लड़की आधी फिल्म के लिए गायब हो जाती है और लड़का तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है। लोगों की लाख मन्नतों के बाद भी नहीं सुधरता और फिर कुछ ऐसा होता है कि आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। फिल्म कबीर सिंह की बात करें तो ये बुरी नहीं है, लेकिन अर्जुन रेड्डी का पूरा रिप ऑफ है। मतलब डायलॉग भी सेम है बॉस। ये कहानी है कबीर राजवीर सिंह की, जो IIM से पढ़ाई कर रहा है और वहाँ का टॉपर स्टूडेंट है। कबीर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हर फील्ड में टॉप करता है, यहाँ तक कि कॉलेज के फुटबॉल टीम का भी कप्तान है। लेकिन कबीर की सिर्फ एक ही दिक्कत है, उसे गुस्सा बहुत आता है। जब मैंने बोला बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वह किसी की जान ले सकता है। फिर एक दिन कबीर की ज़िंदगी में आती है प्रीति, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में से एक है। प्रीति की सादगी देखकर कबीर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में ये दोनों जुदा हो जाते हैं और फिर शुरू होता है कबीर का बर्बादी के रास्ते पर चलने का किस्सा। अब कबीर दिन रात शराब पीता है, गांजे से लेकर कोकीन तक सब कुछ करता है और हॉस्पिटल में बतौर सर्जन काम कर रहा है। प्रीति उसके दिमाग से जाती नहीं है, किसी और के बारे में सोचना उसकी फिक्र नहीं। परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहिद कपूर कबीर सिंह के किरदार में ज़बरदस्त हैं। एक जिद्दी अड़ियल लड़का जो हमेशा गुस्से में रहता है, ऐसा किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं है। एक शराबी का रोल निभाना उससे भी मुश्किल है और शाहिद ने ये काम बहुत ही सरलता से किया है। प्रीति के रोल में कियारा आडवाणी अच्छी है, उन्होंने प्रीति का किरदार को अच्छे से निभाया और उसकी सादगी को बरकरार रखा है। कुछ सीन्स में कियारा आपको चौंका भी देती है और आप उनके नाम की दाद देते हैं। सपोर्टिंग रोल में कबीर के पिता बने एक्टर सुरेश ओबेरॉय, उनके भाई के रोल में अर्जुन बाजवा, कॉलेज के डीन के रोल में आदिल हुसैन और बाकी एक्टर्स ने भी बढ़िया काम किया है। लेकिन एक इंसान जिसके लिए आपके दिल में जगह बन जाएगी वो है कबीर के दोस्त शिवा के रोल में एक्टर सोहम मुजमदार। सोहम ने कमाल का काम किया है, मतलब इंसान को जिंदगी में दोस्त मिले तो शिवा जैसे मिले, वरना ना ही मिले। कबीर के साथ पढ़ने से लेकर उसकी ज़िंदगी बचाने और बसाने की कोशिश तक शिवा वो सब कुछ करता है जो एक अच्छा दोस्त आपके लिए कर सके, बल्कि उससे भी ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा कुछ। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री बढ़िया है, उनका प्यार, उनका एक दूसरे को लेकर जुनून और पागलपन आपके सीने में उतर जाता है। इस फिल्म से एक बात तो पक्की है कि शाहिद कपूर की ये परफॉर्मेंस आप आगे आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। डायरेक्टर संदीप बांगा ने इस फिल्म को अर्जुन रेड्डी के जैसे सोनू की टीटू को कॉपी बनाया है। अगर वो कबीर सिंह को अर्जुन रेड्डी की कॉपी के बजाय कुछ अलग तरीके से बनाती तो शायद ये और अच्छी होती। हालांकि उसका निर्देशन अच्छा है और उन्होंने इस फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया है। हाँ, ये फिल्म थोड़ी छोटी जरूर हो सकती है, क्योंकि इसके अंत तक पहुँचते आप इसके जल्द खत्म होने का इंतजार जरूर करने लगते हैं। फिल्म का म्यूजिक कमाल है, म्यूजिक को बॉलीवुड के बढ़िया कंपोजर्स की टीम मिथुन अमाल मलिक, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा और अखिल सचदेव ने बनाया है। इनका एक एक गाना आपके दिल में उतरेगा और आपको बहुत कुछ महसूस करवाता है। बेख्याली पहले से ही लोगों का फेवरेट बन गया है और आप फिल्म में इसे सुनने के बाद उसे अगले दिन तक सुन रहे हैं। हालांकि जैसे दुनिया की कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही कबीर सिंह भी एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। इस फिल्म की अपनी कमियाँ हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं है कि आपको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। शाहिद कपूर की बढ़िया एक्टिंग, कियारा के साथ भी सोहम को कबीर की परवाह और बेहतरीन म्यूजिक इस फिल्म को देखने के लिए अहम कारण है। अब आगे आपकी, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए अखिल एंटरटेनमेंट।